Chakwal campus online classes. So today we are going to read our poem number 12, that is on page number 78. Poem number 12, which is on page number 78, and its title is Rubaiyat, and it is written by the poet Allama Muhammad Iqbal. Who is the poet of this poem? Allama Muhammad Iqbal. So let's read the poem. What does the poet say in this poem? He says that Faith is like Abraham. Who was Abraham? Abraham was Hazrat Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam kaun the? वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकवा दिया था। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान जो है वो हम सब मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान की खातिर, अल्लाह ताला के दीन की खातिर और अल्लाह पर यकीन जो था उसकी खातिर अपने आप को आग में फेंके दिए जाने दिया, यानी कि उन्होंने अपने दुश्मनों के सामने मुज़ाहमत नहीं की। उन्हें अल्लाह पर इतना यकीन था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को ये इजाज़त दी कि वो उन्हें आग में फेंक दें। और फिर क्या हुआ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुख्ता और कामिल यकीन की वजह से वो आग जो थी वो बाग में बदल गई। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए दी गई है क्योंकि उनका ईमान हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से अल्लाह पर यकीन जो है हमारी तमाम मुश्किलात को वो आसानी में बदल देता है, अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, वो आग को बाग में बदल देता है। तो इस लाइन में क्या कहता है शायर के फेथ मस्ट बी लाइक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। फेथ ईमान, ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं कि सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज फेथ हियर मी। गॉड ड्रंक यानी कि अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के से मोहब्बत में इस कदर आप मस्त हो जाते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यही असल में ईमान है। सेल्फ ऑनरिंग, खुद ही जो हम अपने आप को खुद ही कहते हैं, हमारी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ इस्टीम होती है, और वो यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद ही ये नहीं है कि हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, कि हम बहुत खुददार हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हम लोगों के सामने झुक रहे हैं, खुदी ये है कि हम अल्लाह की याद में मस्त हो जाते हैं। गॉड ड्रंक मतलब अल्लाह की याद में खो जाना या मस्त हो जाना, गर्क हो जाना। इज फेथ हियर मी यानी कि मेरी बात सुनो। वो आज के लोगों को, दौरे हाजिर के लोगों को शायद अल्लामा इकबाल मुखातिब कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि खुदी ये है और ईमान ये है कि अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में आप खो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। यू होम दिस एज वे इज सो कैप्टिवेट। एज वे यानी कि ये जो मौजूदा दौर का तर्ज़ रहाइश है, मौजूदा दौर का ये जो तरीका ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो बहुत ही दिलकश है, यानी कि तुम इसमें खो जाते हो। यू होम दिस एज वे यानी कि ज़िंदगी गुजारने का ये जो मौजूदा तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का तर्ज,
या तरीका। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मतलब अट्रैक्टिव या दिलकश, यानी कि जिसके लिए ये दुनिया का जो मौजूदा दुनिया का तर्ज रहाइश है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो बहुत ही मसूर कुन है, अट्रैक्टिव है, दिलकश है। टू हैव नो फेथ इज वर्स दैन स्लेवरी। टू हैव नो फेथ यानी कि ईमान ना होना। टू हैव नो फेथ इज वर्स दैन स्लेवरी। वर्स बहुत बुरा है या बदतर है स्लेवरी से, गुलामी से। टू हैव नो फेथ इज वर्स, वर्स मतलब बदतर, बुरा, स्लेवरी मतलब गुलामी। टू हैव नो फेथ यानी कि ईमान का ना होना गुलामी से भी बदतर है, यानी कि अगर आपका अल्लाह पर यकीन नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए गुलामी से भी बुरी है। अगर आपका अल्लाह पर यकीन नहीं है तो आप चलें थोड़ा बहुत आप कभी मायूस हो जाएंगे, कभी आप पर उम्मीद हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका ईमान ही नहीं है, आप हर वक्त मायूस रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे मज़हब में, दीन इस्लाम में मायूसी कुफ्र है, तो जब वो कुफ्र है तो वो ग़ुलामी से भी बदतर है। तो पहला जो स्टैंजा इसमें सबसे पहले शायर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है कि ईमान उनकी तरह होना चाहिए कि आपको अल्लाह पर इतना ईमान हो कि अगर आग में भी फेंक दिया जाए तो अल्लाह पर इस कदर ईमान हो कि आप खुशी खुशी आग में भी अपने आप को फेंकने दें, और फिर अगर आपका ईमान पुख्ता है तो वो आग बाग में बदल जाएगी। फिर वो कहता है कि सेल्फ ऑनरिंग या खुद ही जो है वो अल्लाह की याद में गर्क हो जाना, सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने झुकना, सिर्फ़ उसकी इबादत करना। और फिर वो आज के दौर, मौजूदा दौर के लोगों को, उनको मुखातिब कर रहा है, उनको एड्रेस कर रहा है, कहता है यू होम दिस एज वे इज सो कैप्टिवेट, तुम जिसके लिए ये दुनिया और इसका जो तर्ज रहाइश है बहुत ही दिलकश है। टू हैव नो फेथ इज वो स्लेवरी, यानी कि ईमान का ना होना गुलामी से भी बदतर है, गुलामी से भी बुरा है। सो लेट्स मूव टू द स्टैंजा नंबर टू। स्टैंजा नंबर टू, एंड व्हाट डज द पोएट से इन स्टैंजा नंबर टू? ही सेज द म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लंट्स। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, म्यूजिक यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक आप ज़ुबान को कह सकते हैं, बोलना जो बोली है, लैंग्वेजेस है। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स यानी कि मुख्तलिफ इलाकों, दूर दराज इलाकों की जो ज़ुबानें हैं, लैंग्वेज हैं, विद इस्लाम्स फायर ब्लंट्स, जब उसमें इस्लाम का जज्बा, इस्लाम की मोहब्बत शामिल हो जाती है, फायर ब्लंट्स। म्यूज़िक को आप यहाँ पर लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज ज़ुबान। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब है दूर दराज, आप कह सकते हैं दूर दराज। दूर दराज या फिर अनजान, दूर दराज या अनजान। फायर, फायर यहाँ पे आप कह सकते हैं जज्बा। ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब है मिल जाना, उसमें मिक्स हो जाना, यानी कि जब दूर दराज इलाकों की ज़ुबानें, दूर दराज इलाकों की लैंग्वेजेस जो हैं, उसमें जब इस्लाम का जज्बा, इस्लाम का आपका सारी मोहब्बत जिसमें शामिल हो जाती है, ऑन विच द फायर, ऑन विच द नेशंस हारमोनी डिपेंड्स, ऑन विच, ऑन विच जिसके ऊपर, ऑन विच द नेशन, नेशंस हारमोनी डिपेंड्स, ऑन विच द नेशंस हारमोनी डिपेंड्स, ऑन विच जिसके ऊपर, नेशन मतलब कौम की हारमोनी, इतिहाद या यकजानियत, डिपेंड्स मुनासिर है या उसके ऊपर इनसार करती है, यानी कि म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लंट्स, ऑन विच द नेशंस हारमोनी डिपेंड्स, यानी कि दूर दराज इलाकों की जो ज़ुबानें हैं, दूर दराज इलाकों की जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें जब इस्लाम का जज्बा शामिल हो जाता है तो उसी के ऊपर हमारी वहदानियत, हमारी यकजानियत, हमारा इतिहाद जो है वो मुनसर है। यानी कि जब मुसलमान बेशक दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हों,
अगर पाकिस्तान के हैं, ईरान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, उनकी ज़ुबान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी सकाफत, उनके खाने अलग हैं, लेकिन जब बात ईमान पर आती है, बात उनके जज्बे पर अल्लाह के बारे में आती है, तो हम सब एक हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं। तभी कहा गया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, यानी कि वो किसी भी इलाके से, किसी भी मुल्क से, किसी भी खित्ते से उनका ताल्लुक हो, लेकिन एक ईमान की ताकत ऐसी है जिसके ऊपर हमारी उम्मत की यकजानियत, हम आंगी और इतिहाद जो है वो मुनस्सर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी हमारे हमारे जो ट्रेडिशंस, हमारे रस्म व रवाज, वो सब डिफर करते हों, लेकिन ईमान की ताकत वो है जो सब मुसलमानों को एक बना देती है। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज एम्पटी ऑफ कनकर्ट, एम्पटी ऑफ कनकर्ट is the soul of Europe, is the soul of Europe। अब देखें वो यूरोप की, मगरब की मिसाल देता है कि वो क्या कहता है कि एम्पटी खाली है, एम्पटी खाली है ऑफ कनकर्ड, कनकर्ड मतलब वहदत, यकजानियत, इतिहाद, सोल, रूह ऑफ यूरोप, मगरब की, यानी कि मगरब की जो रूह है वो यकजानियत से खाली है, वहदानियत से, इतिहाद से, हम आंगी से खाली है। और वो क्यों खाली है? क्योंकि यूरोप के लोग जो हैं, मगरब के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दे डू नॉट बिलीव इन वन अल्लाह, दे हैव देयर डिफरेंट गॉड्स होम दे ओबे, होम दे अबाइड, उनके अलग अलग खुदा हैं, उनके अलग अलग देवता हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। कोई अपनी ख्वाहिशात की पूजा कर रहा है, कोई किसी और बुत की पूजा कर रहा है, कोई दौलत की पूजा कर रहा है, कोई ताकत की पूजा कर रहा है, लेकिन हम मुसलमान, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और एक अल्लाह की इबादत के ही वो नुक्ता है जो हम सब मुसलमानों को एक बना देता है। लेकिन यूरोप के लोग जो हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, उनके अंदर वहदानियत, इतिहाद और हम आंगी नहीं पाई जाती। इसलिए कहते हैं कि मगरब की रूह वहदानियत से, इतिहाद से खाली है। हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, यानी कि वो, उनका कोई मक्का नहीं है, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसकी तरफ वो झुकें। सिविलाइजेशन, तहजीब, बैंड, झुकना, यानी कि मग़रिब के लोग जो हैं वो फ़िरकों में बटे हुए हैं, उनके अलग अलग खुदा हैं, उनके अलग अलग देवता हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, उनका एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है, उनका एक काबा नहीं है कि जिसकी तरफ वो रुख करके इबादत कर सके। हम मुसलमान चाहे हम किसी भी खित्ते से, किसी भी मुल्क से हमारा ताल्लुक हो, लेकिन आप देखते हैं कि हज के मौके पर हर दुनिया के हर खित्ते से मुसलमान आते हैं, उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, उनके रंग मुख्तलिफ हैं, उनके खाने, उनका रहन सहन, उनका रंग ढंग सब अलग होता है, लेकिन जब वो अल्लाह के घर में, जब खाना काबा में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो मक्का के आगे जब वो झुकते हैं, तो वो एक अल्लाह, एक मक्का की तरफ वो किबला करके, रुख करके, उसकी एक किबले की तरफ रुख करके झुकते हैं और इबादत करते हैं, और वो चीज़ मुसलमानों को एक बना देती है। इसलिए कहा गया कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचता है या तकलीफ होती है, तो सारा जिस्म दुखने लग जाता है। तो सो लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 3। सो व्हाट डज द पोएट से इन दिस स्टैंजा? ही सेज दैट लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड इन, लव्स मैडनेस हैज departed in, love's madness, यानी के मोहब्बत का जो दीवानापन था, जो अल्लाह से मोहब्बत का दीवानापन था, जुनूनियत थी, जो जज्बा था, has departed in, departed in मतलब ख़त्म हो गया है, या हम कह सकते हैं रुखसत हो गया है, यानी के जा चुका है। अल्लाह से जो हमारा मोहब्बत का दीवानापन था, यानी कि बहुत ही जुनूनियत थी, पक्का यकीन, पुख्ता यकीन जो था हम अल्लाह के ऊपर रखते थे, वो अब ख़त्म हो गया है। और क्यों ख़त्म हो गया, आगे से पोएट हमें बताते हैं
The Muslims when the blood runs thin. The Muslims when the blood runs thin. Veins मतलब रगें, blood खून, runs thin यानी कि पतला, यानी कि मुसलमानों की रगों में दौड़ने वाला जो खून है वो पतला हो चुका है। इस खून के पतले होने का क्या मतलब है? यहाँ पे भी अब सिंबलिज्म यूज हुआ है, यानी कि मुसलमानों की रगों में दौड़ने वाला खून पतला है। खून का पतला होना किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? हमारी ईमान की कमजोरी को, यानी कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है, हमारा अल्लाह पर जो यकीन था वो कमजोर पड़ गया है। और इसके नतीजे में क्या हुआ है, आगे शायर हमें बताता है। पोएट says that ranks broken hearts perplexed hearts perplexed prayers cold ranks broken ranks matlab safen broken टूट गई हैं, हार्ट्स दिल परप्लेक्स्ड परेशान है, प्रेयर्स नमाजें कोल्ड, आप कह सकते हैं सर्द, यानी खुशु खुजू से खाली, कह सकते हैं कि अब उनमें वो जज्बा नहीं रहा। रैंक्स ब्रोकन, मुसलमानों की सफ़ें टूट चुकी हैं, हार्ट्स परप्लेक्स, दिल परेशान हैं, प्रेयर्स कोल्ड, इबादतों में वो खुशु खुजू नहीं रहा। नो फीलिंग्स डीपर दैन स्किन यानी कि जो हमारा ईमान है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि अब हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हम नाम के मुसलमान बन चुके हैं। हम मुसलमान तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, यानी कि हमारा जो ईमान, हमारा जज्बा, हमारी अल्लाह से मोहब्बत, हमारे इबादतों में खुशु खुजू, वो जो पुख्ता यकीन था वो सब ख़त्म हो चुका है। पहले हमें शायर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है, उसके बाद वो कहता है कि मोहब्बत क्या होती है, अल्लाह की याद में गर्क हो जाना है। फिर वो आज के दौर के लोगों को मुखातिब करता है कि तुम्हारे लिए जो ये दौर हाजिर का ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो बहुत ही मसहूर कुन है, दिलकश है, तुम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। लेकिन वो ये फिर ये भी कहता है कि जो तुम्हारे ईमान का ना होना है ये ग़ुलामी से भी बुरा है। फिर वो बताता है कि ईमान क्या है, ईमान ये है कि जब हम मुख्तलिफ खितों से, मुख्तलिफ इलाकों से हमारा ताल्लुक़ है लेकिन एक ईमान की ताकत जो है वो हम सबको जोड़ देती है, हम एक हो जाते हैं। तो आगे से हमें यूरोप की मिसाल देता है, क्योंकि हम आज के जो मुसलमान हैं वो मग़रिब की अंधाधुन तकलीद कर रहा है, वो मग़रिब के तर्ज हयात को, मग़रिब के तरीके को अपना रहा है। लेकिन शायर कहता है कि मग़रिब की अंदर वादानियत नहीं है, उसके वो रूह जो है उसकी वादानियत से खाली है। किस लिए? क्योंकि उनका कोई मक्का नहीं है, सेंट्रल पॉइंट नहीं है, वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, इसलिए वो वहदत से खाली है। और फिर वो कहते हैं कि इस ये जो हमने मग़रिब की तकलीद शुरू कर दी है, इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि अल्लाह से जो हमारी दीवानापन जो था मोहब्बत का, जो हमारे जुनूनियत थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। एंड द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन, मुसलमानों की रगों में दौड़ने वाला खून पतला है, यानी कि आज के मुसलमान का ईमान कमज़ोर हो गया है अपने अबाओ अजदाद के मुकाबले में। और इसका क्या नतीजा निकला है कि सफ़ें टूट गई हैं, दिल परेशान हाल हैं, हमारी इबादतें जो हैं वो खुशु खुजू से खाली नहीं हैं, खाली हैं अब उनमें वो सुकून, वो जो हमें तसल्ली मिलती थी, जो हमें खुशी मिलती थी, वो नहीं रही। और अब हम मुसलमान तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम द पोएम द रुबायात रिटन बाय अलामा मोहम्मद इकबाल।